वहाँ जा कर जो है खुर्रम है उसने मेरे साथ दो दो बहुत ज़्यादती की है। करके जब सुबह हुई है 2-3 बजे का टाइम है, इन लोगों ने मुझे बेहोश करके मॉडल टाउन पार्क के ना बाइट छोड़ के ये लोग चले गए हैं। मुझे उधर ऐसे मैं लावारसों की तरह पड़ी रही हूँ, किसी ने कोई आके मेरी मदद ही नहीं की, कुछ नहीं कहा कि क्यों बच्ची यहाँ पे पड़ी हुई है। हमें आके धमकियाँ लगाते हैं, टॉर्च करते हैं, इनके रिश्तेदार हैं वो आते हैं, जो पठान हैं उसके रिश्तेदार हैं वो आके इतना धमका के जाते हैं, हर वक्त हम खौफ सदा रहते हैं यहाँ पर। तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तुम्हारी बहन को भी यहाँ से अगवा करवा दूंगा, तुम्हारे भाई को भी कत्ल करवा दूंगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। आज फिर एक हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। वजह सिर्फ ये थी कि वो लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई, उसकी मोहब्बत के झूठे झांसे में नहीं आई, और उसके बदले में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। प्रेशर के बाइस बच्ची ने अदालत में बयान उनके हक में दिए, क्योंकि बच्ची को और उसकी माँ को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि गली में आपका बच्चा खेल रहा है, अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ बयान दिए तो हम इस बच्चे के साथ भी वो सब कुछ कर सकते हैं और बच्चे की भी आपको लाश ही मिलेगी। इस बहन की और 3 बहनें हैं, उनको भी उसी चीज़ में लाया जा रहा है कि आपकी बहनों के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि आपके साथ किया गया है। सिलाई का काम ये बच्ची सीखने जाती थी, अपने बाप का सहारा बनने के लिए घर से निकली थी, और सिलाई सेंटर घर से चंद ही कदमों पर है, और वहीं पर वो लड़का काम करता था। और उसने इस लड़की को 15 दिन के अंदर अंदर, अभी जस्ट 15 दिन हुए थे इस लड़की को वहाँ पर जाते, और 15 दिन के अंदर अंदर उसने ऐसा घिनौना खेल खेला कि ये लड़की के साथ ज्यादती की, इसको इसके घर के आगे से अगवा करके गया और बाद में एक पार्क में फेंक कर लवारिस समझ कर चला गया। बाकी की जो बात है हमें महनूर बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महनूर, कितनी देर हुई थी आपको वहाँ पे सिलाई सीखने के लिए जाते हुए? 15 दिन हुए थे। घर के बिल्कुल पास है आपके? जी बिल्कुल पास ही है, 1-2 गलियां छोड़ के बस। वो लड़का वहाँ पे क्या काम करता है? वो भी ऐसे स्टिचिंग वगैरह का काम करता था मेरे साथ ही। लड़की और लड़कियाँ इकट्ठे वहाँ पर सीखते हैं? जी वो है कि वो जिसका था ना यूनिट था वो उसका कज़न था, इस वजह से अच्छा। उसने रखा हुआ था उसको भी साथ में। डे 1 से उसने आपको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था? नहीं, 1-2 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा था, फिर उसके बाद उसने मुझे टॉर्च करना शुरू कर दिया। बहुत अजीब तरीके से टच करता था और बस धमकियाँ लगाता था, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। इस कदर मुझे खौफ ज़्यादा उसने कर दिया था कि मैं अपनी बहन के साथ भी नहीं, मैं कुछ भी उसको बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, कि मैं उसको जब भी मैं बताने की कोशिश करती थी वो आगे से मुझे टॉर्च करता था, धमकियाँ लगाता था। क्या धमकियाँ लगाता था? मुझे कहता था कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तुम्हारी बहन को भी यहाँ से अगवा करवा लूँगा, तुम्हारे भाई को भी कत्ल करवा दूँगा। क्या वो इस तरह का इंसान है? क्या उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड है? उसके जो है कि चाचू हैं वो सब ऐसे बदमाश हैं, उनकी धमकियाँ लगाता होता था मुझे कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं उनको बोल के ना तुम्हारे बहनों को भी वहाँ से उठवा लूँगा, उनके साथ भी ज्यादती करके उनको कहीं नहर वगैरह में फेंक दूँगा मार के, और तुम्हारे भाई को भी कत्ल करवा दूँगा। इसलिए बस मैं उसके प्रेशर में आकर मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भी हम लोग गए हैं सही से जैसे पहले जाते थे, गए हैं जाके हमने काम वगैरह किया करके, शाम को जब वापस आ रहे हैं तब वो मैं और मेरी आपी थी, आपी ऊपर अपने घर वापस आ गई है, मैं नीचे अपनी फ्रेंड के पास खड़ी हुई हूँ, वो भी मेरी दोस्त गई है कि ये लोग फौरी रिक्शा लेके मेरे पास खड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बीच में बिठाया है, इनके पास पिस्तौल थी, इन्होंने मेरे सर पे रख दी और मुझे धमकियाँ लगाई कि अगर कुछ भी बोला कोई भी शोर किया ना तो हमने तुम्हें चला देनी है, तुम्हें मार देना है हमने। मैं इतना खौफज़दा उस टाइम हो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई शोर नहीं बचाया, इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध के ये लोग मुझे ले गए। कितने लोग थे वो? 2 थे, एक रिक्शा चला रहा था, 2 पीछे बैठे हुए थे, मतलब 3 हो गए। वो रिक्शे वाला भी साथ ही था उनके? हाँ जी, वो भी साथ में था, वो भी इनका कोई रिश्तेदार ही है। तो ये लोग मुझे ले गए, तो जो कामरान पठान है उसके घर ले के गई हैं, वहाँ जा कर जो है खुर्रम है उसने मेरे साथ दो बहुत ज्यादती की है। करके जब सुबह हुई है 2-3 बजे का टाइम है, इन लोगों ने मुझे बेहोश करके मॉडल टाउन पार्क के ना बाइट छोड़ के ये लोग चले गए हैं। मुझे उधर ऐसे मैं लावारसों की तरह पड़ी रही हूँ, किसी ने कोई आके मेरी मदद ही नहीं की, कुछ नहीं कहा कि क्यों बच्ची यहाँ पे पड़ी हुई है। बस फिर जब मैं थोड़ा बहुत होश में आई हूँ तब मैंने किसी के नंबर से अपने वालिद को कॉल की है, वो लोग जो है कि मेरे वालिद हैं वो ग्रीन टाउन थाने से ना जो कुछ ऑफिसर्स वगैरह लेके आए हैं
वहाँ से वो लोग मॉडल टाउन पार्क से मुझे आके लेके गए हैं और फिर इधर मुझे ग्रीन टाउन थाने में लेके आए हैं। पहले वहाँ के मेरे जो भी बयान है वो लिखवाए हैं, लिखवा के ये लोग मुझे ना अदालत ले गए। वहाँ जाके भी जब मैं अपने बयान वगैरह देने लगी हूँ जज को, तब भी कुछ रिश्तेदार इसके आए हैं जो इतना उन्होंने आकर टॉर्च किया, इतना धमकाया मुझे और मुझे वीडियो कॉल दिखाई कि अगर कुछ भी कि मेरा भाई है वो इधर गली में है खेल रहा है, इन्होंने हमें वीडियो कॉल दिखाई कि ये ऐसे है कि अगर तुमने कोई भी यहाँ पे बयान दे दिया ना तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे कि हम तुम्हारे भाई को यहाँ से उठवा लेना है। मैंने कि मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हमको कर सकता है ना, तुम्हारे भाई तो हम कुछ भी नहीं है कि 8-9 साल के हमें उसको उठा लेना है यहाँ से। उसके बाद आपने उनके हक में भी हमें, हाँ जी उस टाइम मैंने फिर मैंने कहा कि चलो अब मेरे साथ जो हो गया है तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने भाई को तो बचा लूँगी, तो इसलिए मैंने इनके हक में बयान दिए हैं। लेकिन ये फिर नहीं अब बाज आ रहे हैं, ये फिर हमें आके धमकियाँ लगाते हैं, टॉर्च करते हैं। इनके रिश्तेदार हैं वो आते हैं, जो पठान हैं उसके रिश्तेदार हैं वो आके इतना धमका के जाते हैं, हर वक्त हम खौफज़दा रहते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं आता कि इस तरह का ये इलाका है कि यहाँ कोई भी मर भी जाए तो ये लोग नहीं आते पता करने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माँ जी आप मुझे बताएं, बच्ची घर के आगे से बच्ची को उठा लिया गया और आप लोगों ने उस रात ज़ाहिर है ढूंढने की तो बहुत कोशिश की होगी। बहुत ज़्यादा कोशिश की, हमें तो ऐसा था कि जैसे क़यामत आ गई है, जवान बच्ची है मेरी और घर से बच्चा थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उसकी इतनी फिक्र लग जाती है, 16 साल की बच्ची है मेरी और समझदार है को छोटी सी बच्ची है कि वो खुद किसी के पास चली गई है। जो हम सारी रात और मैं उस लड़के के पास दोबारा यूनिट में गई हूँ, उसे मैंने पूछा भी है, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कोई मसला है कोई भी बात है मुझे बताओ मेरी मदद करो, और मुझे नहीं पता था कि वो इतना बगैरत इंसान हो, वो खुद ही इस दरिंदगी में शामिल है, वो उसी खुरम की बात में कर रही हूँ। उस आदमी उस बंदे को बच्चे को मैंने कहा कि मैं तेरे पाँव पकड़ती मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर कहीं भी है मेरी बच्ची मेरे साथ दो मेरी हेल्प करो मेरे साथ चलो। उसने कहा आंटी मेरे पास नहीं है मेरे पास नहीं है। मेरा शक भी था यकीन भी था, लेकिन जब हमने नामालूम अफराद पर इनका पर्चा FIR कटवाई थी, लेकिन बाद में वही इंसान हमारा इतना धोखेबाज निकला। मैंने इसकी जो यूनिट की मैडम थी उससे बात की, वो कह रही हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी, वो यूनिट से बाहर चली गई, लेकिन वो उसका पूरा पूरा हाथ है उस पर जो सिलाई सिखाती थी उसका जी। पुलिस का आप लोगों के साथ क्या रवैया है अब क्योंकि FIR हो गई है, मुलजिम इस टाइम पुलिस की हिरासत में, अब पुलिस का इस टाइम आपके साथ क्या रवैया है? अभी फ़िलहाल वो मेरे साथ तावन कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाजी जो पहले मामला था चलो वो तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ये जो धमकियों वाला और ये जो आपको तंग कर रहे हैं ये हम आपकी पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे। जो एक लेडी पुलिस वाली आप उनसे जो मिली हैं जी, वो उस औरत ने हमारी ज़रा भी अच्छी तरीके से बात नहीं सुनी, दोनों माँ बेटी को इतना बुरा भला कहती रही। क्या कहा है उन्होंने? आप उनका नाम जानती हैं? जी भी साशा नाम है उसका, इस टाइम हाजिर नौकरी पे है वो। कौन से पुलिस स्टेशन में? टाउनशिप में है। टाउनशिप में मिस आयशा, मुझे ज़रा बताइए कि उन्होंने आपको क्या क्या अल्फाज बोले हैं? उन्होंने कहा कि तुम लोग बकवास कर रही हो भोंक रही हो, उसमें सारा स्टाफ उनका बैठा हुआ था सिविल कपड़ों में बैठे हुए थे सारे, आप जिनके जितने ऑफिसर थे ना सिविल कपड़ों में थे और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो आई है बाहर से आते सारी मेरे ऊपर भड़की है और शर्म नहीं आती तुम तो बकवास कर दिया लड़कियों को फसाने के चक्कर दे विच पैसे लेने के चक्कर दे विच इस तरह उसने मेरे साथ बात की। बच्ची को क्या कहा है उसने? उसने कहा कि शर्म करो कोई अपना जिस्म बेचती हो, ये वो सब साशा से पूछे ना कि भी क्या आपने कोई पैसा खाया है, पैसा ही खाया है तो ये अल्फाज बोले। और दूसरे दिन बाद उसने उसको बच्चों को छोड़ दिया उन लड़कों को। मेरी यहाँ सबसे अपील है मुझे इंसाफ चाहिए, वो आदमी हो के उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इस औरत में साशा ने मेरी इतनी जलालत की इतनी गालियाँ दी। एक औरत हो के औरत की तकलीफ़ को नहीं उसने समझा। इस मुल्क का जो निज़ाम कानून है जो निज़ाम इंसाफ है उससे आपको लगता है कि इस मुल्क में आपको इंसाफ मिलेगा? मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है, इस पाकिस्तान में हमने जो देख लिया है या जो तरीक़ाकार इस मुल्क का बना हुआ है कोई इसमें पता नहीं कि क्या एक मिनट में हो जाए।
अब तवक्को तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है। बाकी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, इमरान खान से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। हम गरीब बंदे हैं, जितना पूंजी थी मैंने अपने घर की LCD बेच के इसके ऊपर लगाई है, अब मैं बाकी की चीज़ें भी बेच बेच के इसके ऊपर लगा रही हूँ कि चलो हमें कोई इंसाफ मिले। किराए का मकान है मेरा, मेरी इमदाद की जाए। मैं चार बेटियों की माँ हूँ, एक कमाने वाला, अब सुबह 6 बजे का वो गए हैं और जहाँ से कुछ मिलता है दाना पानी घर लेके आते हैं, आके देते हैं, बच्चों को उपार रहे हैं, वो खुद बीमार हैं। और बेटा मुझे ये बताओ कि अभी आपसे मज़ीद बहुत से सवाल आते होंगे, बहुत से लोग आपको तंग करेंगे, बहुत से लोग आपको इसलिए तंग करेंगे कि आप पीछे हट जाओ, तो क्या आपको लगता है कि आप आगे तक इस केस को देख सकती हो, फेस कर लोगी इसको, और जो भी आगे मामलात होंगे उन सिचुएशन को आप बर्दाश्त कर लोगी? जी मैं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप हो जाऊँगी ना तो कल को यहाँ पर कोई और, एक और महानूर बैठी होगी। आज अगर ये लोग मुझे इंसाफ नहीं ना देंगे तो कल को कोई और होंगे। मैं बस, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी कौम की बेटियाँ हैं ना, ये समझ लें कि मैं भी एक कौम की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ बस दिला दें। अगर आज ये लोग मुझे नहीं ना दिलवाएंगे तो कल को कोई और होगी, फिर कोई और होगी। अगर आज ही इन दरिंदों को इनकी सजा तक पहुँचाया जाएगा ना तो कल को इन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। इसको घर के आगे से उठा कर लेकर गए और इस बच्चे के साथ 2 बार ज्यादती की गई है। एक औरत होते हुए पुलिस, क्या नाम बताया आपने उनका? मिस आयशा। मिस आयशा, अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दे ही दिया, एटलीस्ट आप लोगों की रखवाली करने के लिए ये वर्दी पहनते हैं, और आप एक बच्ची को कह रहे हैं, लड़की को जो ऑलरेडी एक बुरे अजियत से गुजर रही है, उसकी वालदैन एक अजियत से गुजर रहे, आप उसको कह रहे हैं कि तुम जिस्म बेचती हो और तुम्हारा ये काम है, क्योंकि आप, आपको पैसे ठोंस दिए होंगे आप लोगों के मुँह में, तब आप लोग गरीबों की नहीं सोते। ये मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि गरीबों का इंसाफ और है और अमीरों का इंसाफ और है। यहाँ पे चंद 20-30 हज़ार रुपये के झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील कर दिया जाता है। ये माँ जी अपने घर की चीज़ें बेच रही हैं अपनी बेटी को इंसाफ के लिए। हमारा कानून कैसा है, हमारा इंसाफ कैसा है, ये हमें पता है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम लोग इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो यकीन करें हर घर से समन, महनूर और अलिशबा, किरण, हर घर से आवाज़ आएगी, हर दूसरे घर से चीखने की आवाज़ आएगी कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की गई। इसलिए बेहतर है कि उस वक्त को आने से पहले रोकें और इस तरह की बच्चियों की आवाज़ बने, ताकि इन दरिंदों को, ये जो अपनी वहशत दिखाते फिर रहे हैं, ये जो गुंडे बने फिर रहे हैं, गली के छोटे मोटे कीड़े हैं जो बदमाश बने फिर रहे हैं और लड़कियों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, इनको इबरत का निशाना बनाया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।